नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू पालक। ये आलू पालक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जितना ये खाने में टेस्टी लगता है, बन भी बहुत जल्दी जाता है। आप इसको पूरी के साथ, परांठे के साथ, चपाती के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं। इसको हम अलग और नए तरीके से बनाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू कर देते हैं। हमने ले लिया था 750 ग्राम पालक। उसको पहले हमने अच्छे से साफ किया है, उसकी डंडियों को हमने तोड़ लिया था। फिर उसे अच्छे से वॉश करना है। पालक लेते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है, छोटा पालक लेना चाहिए और पालक खाया ना हो, कीड़े खाया ना हो, अच्छा सा पालक हो। फिर उसे अच्छे से वॉश करने के बाद हमने बारीक काट लिया है इस ढंग से। अब ये साफ करने के बाद हमारे पास 600 ग्राम के करीब पालक बचा है। अब हमने क्या करना है, इसको साइड में रख देंगे। हमने लिए 3 आलू, ये बड़े साइज के आलू लिए हैं, ग्राम के हिसाब से ये 300 ग्राम है। पहले हमने आलू को छीलकर तैयार करना है। तीनों आलुओं को छीलकर पहले तैयार कर लें। हमने आलुओं को छील लिया है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हम पानी में आलुओं को काटेंगे क्योंकि वो काले ना पड़े। पहले इसके 2 भाग करेंगे। फिर 1 भाग और कर देंगे। फिर इसके मैं छोटे टुकड़े करूंगी, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, आप देख सकते हैं इस ढंग से करने हैं। ऐसे ही हमने तीनों आलुओं को काट कर तैयार करना है। हमने आलुओं को काट लिया है, अब इसको हमने 2 बारी साफ पानी से धोना है, इसका स्टार्च निकल जाए। अब हमने क्या करना है, एक कढ़ाई ले लेनी है, गैस ऑन करनी है। मैं इसमें डाल रही हूँ स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था, मैं थोड़ा सा वो डाल रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें थोड़ा सा और उसे गर्म कर लें। ये गर्म हो गया, सबसे पहले इसमें डाल देंगे 2 पिंच हींग। मैंने 1 टीस्पून लिया था साबुत धनिया, उसे क्रश कर लिया है, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा, इसको थोड़ा सा चला देते हैं। मैंने लिए थे 2 प्याज, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने तेज गैस पर 2 मिनट के लिए भुनना है, ज्यादा नहीं भुनना लेकिन चलाते हुए भुनना है। दो मिनट हो गए हैं प्याज को भुनते हुए। हमने ली थी 10 कलियां लहसुन की, उसको पतला पतला लंबा लंबा काट लिया था, ये डाल देते हैं इसमें। ये बहुत ही टेस्टी लगता है इस ढंग से डालने में। अब इसको भी 2 मिनट के लिए और भून लेंगे हम लहसुन के साथ। ये 2 मिनट हो गए हैं हमें लहसुन को भी भूनते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे आलुओं को जो हमने काट के रखे हुए हैं। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूं और 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। इसे मिक्स कर दें। अब गैस को बिल्कुल कर देंगे हम स्लो और इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। पांच मिनट हो गए हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले इसे थोड़ा सा चला देंगे। मैंने लिया था 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको बारीक काट लिया था, वो इसमें डाल देते हैं। 4 हरी मिर्ची ली थी, उसको स्लिट कर लिया था। जिसको ना पसंद हो वो आराम से इसको निकाल सकता है, आप मिर्ची कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून डाल दूंगी मैं धनिया पाउडर। इसे मिक्स कर दें। अब इसमें डाल देंगे हम पालक। पालक काटने के बाद थोड़ा सा फूल जाता है, फ्लफी हो जाता है,
इसको डालने के बाद मैंने लिए थे 2 टमाटर, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसको कम गैस पर हम ढक देंगे, जरा पालक नीचे दब जाए। सात से आठ मिनट हो गए हैं पालक को कम गैस पे पकते हुए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कितना दब गया है। अब इसको अच्छे से चला देंगे, गैस को हम तेज कर लेंगे। अभी पहले से हम थोड़ा सा चला देते हैं। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं यूज किया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, 1/2 टीस्पून डालेंगे अमचूर पाउडर, 1/2 सब चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे चलाते हुए। ये मिक्स हो गया है। अब हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए कम गैस पर। ये 5 मिनट हो गए हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले इसको हम चला देंगे, इसमें बिल्कुल भी पानी यूज नहीं होता है क्योंकि पालक में भी पानी होता है। अब मैं दिखा देती हूँ, आलू भी पक गए हैं, गर्म है इसलिए मैं चम्मच से दिखा रही हूँ। देखिए आलू भी पककर तैयार है। मैंने ली थी मलाई, फ्रेश मलाई थोड़ी सी, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, मैं वो डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। इसे तेज गैस पर मिक्स करना है, क्रीम या मलाई डालकर ज्यादा देर इसको नहीं चलाना, बस मिक्स करना है। ये पालक बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।